तो चाची, जब भी चाची के घर पे आता हूँ कुछ ना कुछ मिल जाता है। पिछले टाइम यहाँ से गांव जाते हो चाची से ग्लव्स लिया था, अभी यहाँ से घर को जाते हो चाची से गार्बेज बैग ले रहा हूँ जो कि मेरा बैग बचाने के काम आएगा। सुबह सुबह आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा बारिश गिरा है। बाबा मैं यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद गिरे, तो फिलहाल के लिए इसको अंदर रखते हैं। मैंने रेनकोट वगैरह कुछ नहीं पहना है, होप सो बारिश ज़्यादा ना आए। ना ही मेरा गोप्रो जो सेटअप है वो वाटरप्रूफ हो रखा है। चाची तो कह रही है अभी रुक जा अभी मत जा। क्या करे, उठे है निकलना तो है ही, अब आगे जाके देखते क्या होता है। चलो चाची, निक्कू को उठाना मत। जाते जाते मंदिर में भी हाथ जोड़ लेते, भगवान बारिश फिलहाल के लिए बंद रहे, मैं अच्छे से जाऊं सेफली, उसके बाद बारिश आना प्लीज़। फिलहाल के लिए चाचा निक्कू तो एकदम मस्त गहरी नींद में। क्या हो गया? चलेगा चलेगा, थैंक यू। पूरा रेडी हो गया था बट लोकेशन डालना ही भूल गया, फिलहाल के लिए ऐसे रैंडम डाल दिया वडोदरा। निक्कू भी उठ गया, अबे सो जाता। बारिश आ रही है, चाची को ठंड लग रहा है, मुझे गर्मी हो रही है। चलो चाची बाय बाय, थैंक यू। हाँ ओ बाय बाय, हाँ हाँ चलो बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया बुंखाले माते की जय हो, सभी भगवान की जय हो। भगवान प्लीज बारिश ना आए। फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ, राइट नाउ इट्स 5:20। निकल तो गए, अब आगे देखते क्या होता है। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो खतरनाक बारिश हो रखी है। नीचे देखिए गाइस, पूरा गिल्ला गिल्ला लग रहा है, और हर एक सर्कल के पास हर एक कोने कोने में पुलिस सिक्योरिटी तो खतरनाक है, एक एक गाड़ी पक्का है यहाँ। सुबह सुबह पहला सिग्नल लग गया गाइस, यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 30 सेकंड रुकना पड़ा। अरे रोड कौन सा है इसकी, तो मैं वो साइड जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी लगा यहाँ पर भी थोड़ा सर्कल सिस्टम जैसे ही कुछ होगा। अरे यार वापस से यहाँ पर सिग्नल लग गया, क्या सीन है, इतनी सुबह सुबह सिग्नल। 40 मिनट्स एंड 35 किलोमीटर का राइड हो चुका है अब तक, एंड उसी के साथ हमने हरियाणा एंटर कर लिया। उसी के साथ 7-8 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक भी लिया मैंने, क्योंकि जो GoPro की बैटरी है पता नहीं क्या दिक्कत दे रही थी, मुझे 3 बार बैटरी निकाल के वापस डालना पड़ा, तब जाकर अब कैमरा चालू हुआ। बस 1-1.5 घंटे में हरियाणा भी छोड़ देंगे और फिर लगेगा राजस्थान। राजस्थान क्लियर करने में तो बहुत टाइम बीत जाता है, अब आएगा ना मजा बिड़ू। हल्का हल्का उजाला भी हो चुका है और मुझे फाइनली NH-48 मिल गया है, अब तो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट भगाना है। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पर ना बहुत सारे ट्रक दिख रहे हैं, तो ट्रक से थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। पूरा राइट लेन भी उन्होंने ही खरीद लिया है अभी सुबह के टाइम पे, पता नहीं आपको अभी आगे दिख रहा होगा कि नहीं, एकदम राइट लेन में भी है देखिए ट्रक। वो ट्रक की वजह से बाकी की गाड़ी स्लो चलती है। परफेक्ट सुबह हो चुकी है, मस्त उजाला हो गया, अब लाइट की जरूरत नहीं, लाइट बंद कर देते दोनों भी, और उसी के साथ मैप भी बंद करना है, बट ये तो इससे होने नहीं वाला यार, मुझे लगता है साइड में रोक के ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अभी पूरा स्ट्रेट रोड है, मैप की ज़रूरत नहीं है, सारा काम बोर्ड में देखकर हो जाएगा। अरे यार हो जाए यार, बैटरी बच जाएगी मेरी, नहीं हो रहा, साइड में रुकना पड़ेगा, फिर मोबाइल भी निकाल के रख देता हूँ। कहाँ पे रुके, चलो यहीं पे साइड में रुक जाते, पहले ये कर लेते उसके बाद फिर राइड कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर फुकट बैटरी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। चल अर्जुन रुक जा थोड़ा सा, सारा बंद करो, अब स्ट्रेट ही जाना है। चलो जी हो गया, थैंक गॉड बारिश ने हुआ और राइड एकदम सही चल रहा है अब तक। बट ये देखे अर्जुन यहाँ से गंदा हो गया, पूरा धूल मिट्टी लगा होगा ना यहाँ पर, तो हल्के हल्के पानी के बूंद गिरने से पूरा खराब दिख रहा है, गंदा गंदा लग रहा है। हवा इतनी खतरनाक चल रही है, अभी मैं साइड में 5 मिनट के लिए रुका था, बाजू से ट्रक वगैरह जा रही थी ना, तो ऐसा वूम करके आवाज आ रहा था, साथ ही साथ गाड़ी भी हिल रही थी पूरी, इतना खतरनाक हवा चल रहा था। अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने 325 किलोमीटर 6 घंटे में कंप्लीट किया, वैसे मुझे 6 घंटे में 350 किलोमीटर कंप्लीट करना है, देखते हो पाता है कि नहीं, बट ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा यार, तीनों लेन में इतने बड़े बड़े ट्रक है, साइड भी हमें जल्दी नहीं दे रहे। ये देखिए ये अंकल ने अभी लेफ्ट दिया था, लेफ्ट में गए ने, राइट दिया, हाँ अब बंद कर दिया। ट्रक वाले भी कभी कभी सिग्नल देते नहीं है, और जब देते तो यहाँ वहाँ करते रहते। आज के राइड का पहला टोल आ चुका है और यहाँ से जयपुर ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 बजे तक तो जयपुर कम्प्लीट हो जाएगा। अरे ये कौन सा ट्रैक्टर है इतना छोटा सा, पता नहीं किस चीज़ के लिए काम आता है, ये गाड़ी वाले को क्या हो गया।
ट्रक वालों ने इतना साइड साइड में लगाया कि इसके लिए भी हमें एकदम ऐसा कट वगैरह मार के जाना पड़ रहा है। कौन सी तो पद यात्रा निकली है, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, बहुत सारे जन जा रहे हैं और ऐसा बड़ा बड़ा डीजे लगा, क्या मस्त है। ओहो, एक नंबर। सुबह सुबह सब लोग निकले और पैदल चल रहे, अच्छा लग रहा है देखकर। ऐसे सेम मैं भूंकाल के मंदिर भी गया था चल के, बट वो तो बहुत कम किलोमीटर था, वो सिर्फ 7-8-9 किलोमीटर था, ये तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। अब तक एक भी ब्रेक नहीं लिया है बट पेट्रोल पूरा नील हो गया, तो आज के राइड का पहला फ्यूलिंग करा लेते। 3 hours 15 minutes का कंटिन्यूस राइड होने के बाद पहला ऑफिशियल ब्रेक लिया है, तो पेट्रोल पंप पे मैं रुका हूँ। अर्जुन का पेट भी भर लिया है, अब थोड़ा सा मैं भी एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ। नॉर्मल पानी ने पानी के साथ ग्लूकोज डाल के पियेंगे इस टाइम। जैसे कि अपने पास 1 liter का बॉटल है, 4-5 चम्मच डालना पड़ेगा। चम्मच तो ये बैग में रहेंगे, पहले चम्मच निकालना पड़ेगा। बस आज तो अर्जुन को बहुत खींच लिया, बहुत ज़्यादा यार, जो चम्मच निकालना था वो मिल रहा ही नहीं है, जो मिला उससे काम चलाते यार। हेलमेट पहन के, बैलाक्लावा पहन के, सारा चीज़ पहन के भी पता नहीं कहाँ से मक्खियाँ है मेरे आँख में चले गए, और आँख देख के पूरा लाल लाल हो गया है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, हल्का हल्का बीच बीच में ना जलन जैसा हो रहा है। बार बार मुझे रब करने का मन कर रहा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा रब ना करूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा रेड रेड होगा, बहुत परेशानी होगी। कुछ ही देर में खतरनाक धूप शुरू होने वाली है, खतरनाक गर्मी भी लगने वाली है, तो यहीं से मुझे कपड़ा वगैरह चेंज करना पड़ेगा। जो मैंने अंदर स्वेटशर्ट पहना है ना, वो निकालना पड़ेगा और उसके जगह पे हम पहनेंगे इनर। तो पेट्रोल पंप पे ही मैं रेडी हो रहा पूरा, तो यहाँ से पहन लिया इनर, अब गर्मी का टेंशन नहीं। जितना ज्यादा कंटिन्यूस मैंने अर्जुन को चलाया उतना ज्यादा और अच्छा ब्रेक भी मिल गया अर्जुन को, पूरे आधे घंटे का ब्रेक मिला। वापस से अर्जुन को कंटिन्यूस खींचेंगे, भूख तो नहीं लगा और नाश्ता भी नहीं खाना मेरे को ज़्यादा। 10-10:30 बजे मैं नाश्ता खा लेता हूँ, तो फिर बाद में ना आगे राइड पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ऐसा लगेगा पेट भरा भरा है, नींद वगैरह आएगी, तो जितना होता है थोड़ा सा भूखा भी रहूँगा चलेगा। और ये रहा आज का सेकेंड टोल, यहीं से निकलते भाई। आधा टोल तो बंद करके रखा है, आधा चालू है। वही रास्ता तो चेंज नहीं हुआ ना, ना ना, चलो चलो चलो। ओ माय गॉड, ये क्या सीन है, मेन हाईवे में ऐसा लटक के चल रहा है, दरवाजा भी खुला है, कितने लोग भर रखे। शिट शिट शिट, क्रूजर है इसमें 20-25-30 तो आराम से बैठ ही जाते हैं, बट पीछे लटका के चल रहे पता नहीं कितने लोगों को बैठाया है इसमें। बाप रे, इतना लोडेड गाड़ी बहुत रिस्की रहता है यार। 1:30 बीने बजे और हम लोग फाइनली जयपुर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अजमेर के लिए चलना है, यहाँ से अजमेर ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर समथिंग है। अभी फिलहाल के लिए मेरा आँख थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, पूरा तो ठीक नहीं है बट थोड़ा बहुत ठीक है। जहाँ पर कुछ पता ना हो वहाँ पर रुक कर किसी को पूछ लेना चाहिए, और मैंने वही किया। अच्छा वो मैंने किसी को पूछ लिया, और ये मेन मार्केट था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा था। अरे अंकल रुको, इतना क्या हॉर्न मार रहे हो, यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है, कैसे जाऊँ मैं। थोड़ा सा रूट मिस होने के वजह से थोड़ा बहुत ब्रेक अर्जुन को भी मिल गया। यार गांव जाते वक्त जो हाईवे था ना वो बेस्ट हाईवे था, ऐसा सिटी वगैरह नहीं आ रहे थे, इतना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पर तो 2-3 बार सिटी आ गया, इतनी सारी गाड़ी आ रही है, कौन कहाँ से आ रहा है कुछ समझ रहा नहीं है, खतरनाक रफ चला रहे। इंडिया में लेक्सस का शोरूम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन गाड़ी तो दिख रही है। ओ भाई क्या खतरनाक है यार, ये जयपुर सिटी ने तो ऑलमोस्ट मेरा 45 मिनट ले लिया, तब तक तो मैं 50 किलोमीटर आराम से कंप्लीट कर लेता। अंदर ही अंदर कितना घूमना पड़ा, ट्रैफिक। फाइनली अब जाकर अजमेर वाला रोड मिला, यहाँ से ये लग गया NH 48, और उसी के साथ ये आ गया अपना थर्ड टोल, एंड साथ ही साथ आँख में वापस प्रॉब्लम आने लगा है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अरे यार यहाँ से गाड़ी कैसे जाएगी, 2-wheeler ये है क्या। ओह आँख में जलन जलन जलन, गाड़ी रोकनी पड़ेगी यार, रोकनी पड़ेगी, जलन हो रहा है यार। आँख तो ठीक नहीं हो रहा, हल्का हल्का पेन है और रेडनेस भी है, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो। पर क्या करे, अब राइड के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। सुबह नाश्ता किया था, नाश्ते में तो मैंने ब्रेड खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ
ग्लूकोज पानी में मैं हूँ। अब सीधा 2:30 बजे लंच ही करेंगे। 11:30 बज चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 6 घंटे हो चुके हैं। 6 घंटे में सिर्फ 300 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ 45 मिनट जयपुर सिटी ने ले लिया था, नहीं तो 350 हो ही जाता था। कोई ना, आगे के लिए कवर कर लेंगे। सो फार सो गुड, सिर्फ आँख का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सब एकदम झकास चल रहा है। ये रहा आज का 4th टोल और यहाँ से अजमेर सिर्फ 37 किलोमीटर दूर है। तो अब जो ब्रेक है वो सीधा अजमेर में लिया जाएगा और साथ ही साथ पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी भरा देंगे। कितना ऊंचा स्पीड ब्रेक करता है यहाँ पर तो। ओ भाई साहब, इधर तो खतरनाक गर्मी हो रही है रे। 5 मिनट गाड़ी क्या थोड़ा सा स्लो हो गई, गर्मी होना शुरू। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। टोल पे टोल आ रही है, क्यों हो रही है यार। तो ये रहा 5वां टोल। आज पता नहीं कितने टोल मिलने वाले, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। मैंने बस ऐसे डेस्टिनेशन लगा के रखा था, वडोदरा अजमेर तक तो पहुँचने वाला हूँ। अब आगे देखते कहाँ को जाऊँगा और साथ ही साथ मैं अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ। 12.5 घंटे में मैंने 500 किलोमीटर कम्प्लीट किया था। मुझे लगता है 9.5 घंटे में मैं 500 किलोमीटर कंप्लीट कर पाऊंगा शायद से, लेट सी क्या होता है। और इसी के साथ अपने 400 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे 40 मिनट में। वाह, मस्त कवर हो रहा है और अर्जुन एवरेज भी अच्छा दे रहा है। दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा, बस पेट्रोल पंप मिल जाए यार, पेट्रोल भराना, नहीं तो गाड़ी ऐसे बंद हो जाएगी। सेकंड थिंग, अपने अर्जुन का 46,000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो चुका है। गुड जॉब अर्जुन, गुड जॉब। पेट्रोल पंप प्लीज पेट्रोल पंप। इतना स्मूथ हाईवे है ये, मुझे लगा पेट्रोल पंप अभी दूर दूर तक मिलेगा नहीं, बट लकीली मुझे मिल गया। फटाफट पेट्रोल भरा देते और थोड़ा सा रेस्ट भी देते हैं अर्जुन को। लगता है पेट्रोल पंप वाले भैया ने अंदर का डिक्की का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया, स्टिल पेट्रोल इसमें से गिर रहा है, जबकि ये बाहर का पाइप है। जैसे कि अगर टंकी से ओवरफ्लो होगा तो दूसरे साइड से गिरेगा, बट ये स्टिल गिरते रह रहा है यार, चेक करना पड़ेगा। ओ, यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वही गिर रहा है, वही मैं सोचू क्या सीन हो गया। बार बार ब्रेक में ग्लूकोज वाला ड्रिंक पी के एक अलग ही मजा आ जाता है यार, क्या एनर्जी मिलती है। वापस से 2 सिप पी लिए, अभी भी स्टिल थोड़ा सा बचा है। पहले जो मैंने बॉटल कैरी किया था ना, वो इजीली ख़त्म हो जाता था। ये देखिए, सुबह से मैं पीते जा रहा हूँ बीच बीच ब्रेक में, अभी तक ख़त्म नहीं है और थोड़े बहुत तो गिर रहे, पता नहीं क्यों ढक्कन से अपने आप बाहर आ जा रहा है, पता नहीं कुछ लीकेज वगैरह है। चलो अब चलते हैं, अर्जुन को भी अच्छा खासा ब्रेक मिल गया। कितना, अरे 20 मिनट का ब्रेक दे दिया मैंने तो अर्जुन को। अब वापस से इसको 100 खींचना है, फिर हम लंच करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 2:30 बजे मैं लंच करूंगा। साथ ही साथ हम लोग अजमेर सिटी में आ चुके हैं। वाह, यहाँ पर डिवाइडर में देखे ना, क्या मस्त झाड़ लगा रखे। अब नकली है कि असली है कुछ आइडिया नहीं, सब एक जैसे एक ही साइज के मस्त लग रहे। लो जी, ये आ गया 6th टोल ऑफ द डे और इसी के साथ 8वें टोल पे भी हम पहुंच गए। और कितना टोल क्रॉस करूंगा गेस करो यार। कम टाइम पे रिकॉर्ड बनाने का सोचता हूँ तब तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। सुबह पहले आँख का प्रॉब्लम आया, अभी ये बैग का प्रॉब्लम, खिसकते खिसकते जा रहे हैं पता नहीं वो साइड को कहाँ पे। बैग ठीक करने के लिए मुझे रुकना पड़ा यार, अभी मत हिल यार, बस रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है, रुक जा जरा सा। यस, यूहू, फाइनली 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और वो भी मैंने सिर्फ 9.5 घंटे में कंप्लीट किया है। वाह, मैंने मेरा खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जो पिछला था वो 12.5 घंटे में 500 किया था, ये वाला 9.5 घंटे में 500 किया है, 3 घंटे का फर्क है। अब सबसे पहले ना खाने के लिए ढूंढना है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था कब मेरा 500 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, और फिर उसके बाद फिर खाना खाने के लिए बैठेंगे। रेगिस्तान। दूर दूर तक तो रेस्टोरेंट दिख रहा ही नहीं है। ओए, लेफ्ट जाना राइट जाना है ना बाबा, जैसा सीधा रास्ता है वैसे ही जाते हैं। अब ये चालू है नहीं है क्या पता, ओए चालू था शायद, कोई ना यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक 17.5 किलोमीटर आगे आने के बाद यहाँ पर रुक रहा हूँ मैं, गीतांजलि होटल में। अरे यार, बीच बीच में मुझे मिल रहे ही नहीं थे, कुछ मिल रहे थे तो राइट साइड में आ रहे थे। एक मार्केट भी आया था, मार्केट में इतना भीड़ था, वहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं दिखे। अच्छा हुआ यहाँ पर मिल गया, नहीं तो पता नहीं कहाँ मिलता। और टाइम बीतते जाता और मैं भूखा रहते जाता। बाकी कुछ तो नहीं लेना, बट चार्जर लेना है, दोनों बैटरी चार्ज कर दूंगा जब तक मैं
अपना लंच करूँगा। वैसे तो एक ये चार्जिंग पे लगाया था, बट ये देखिए हिलता रहता है, तो कब चार्ज होएगा कभी नहीं होगा। ओए ये वायर टूट मत जाना। खाने का ऑर्डर तो दे दिया, जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं ऐसे यहाँ पर राउंड मार रहा हूँ। 9-9.5 घंटा कंटिन्यूस बैठ कर चलाना, बैठ बैठ के ही पक गया, इसलिए सोचा अब यहाँ पर थोड़ा सा राउंड मारता। तो आज के लंच में पनीर टिक्का, चपाती और सलाद, अपना छाछ भी आ गया। वैसे छाछ यहाँ पर था नहीं, बट मैंने रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने मुझे छाछ भी बना के दे दिया। 40 मिनट का एकदम मस्त ब्रेक हो गया, अब चलते फिर से राइड करने। और ये आ चुका है टोल नंबर 9, जो कि हमें उदयपुर की तरफ लेकर चलेगा। यहाँ से उदयपुर एग्जैक्टली पता नहीं कितना है, बट 100 किलोमीटर तो होगा ही होगा। हेलो जी, ये आ गया 9वां टोल, थर्ड फ्यूलिंग ऑफ द डे, जस्ट अभी करा दिया यहाँ से। अब देखते चौथे की भी कराने की जरूरत पड़ेगी कि यही चल जाएगा। सो फार टू गुड, एंड अब तक का टोटल 600 किलोमीटर का जर्नी कम्प्लीट हो चुका है। वाव झक्कास, आज तो दो दो रिकॉर्ड बन गए, मतलब ये जो दूसरा ये तो आगे और बनने वाला है। बट इससे पहले जो था वो 500 किलोमीटर इन लेस आवर्स, और जो दूसरा रिकॉर्ड है वो ये है कि आज मेरा पहला हाईएस्ट किलोमीटर है ये, 600+ किलोमीटर राइड कर रहा हूँ मैं कंटिन्यूस एक ही दिन में। शिव जी का मूर्ति देखिए गाइस सामने, जय शंभो, क्या मस्त लग रहा है यार। लो जी ये आ गया 10वां टोल गेट, और यहाँ से उदयपुर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। क्या हो गया अंकल, हाईवे आप गलत चल रहे हो, आपने राइट से डाल दिया। आप जरा संभल के चलो, आप मुझे भी खतरे में डाल रहे हो, आप भी खतरे में जा रहे हो। हाँ हाँ, आज का अपना राइड सिर्फ यहीं तक का है उदयपुर, और यहीं से मैंने ऑनलाइन अपना रूम भी बुक कर दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छे रेट में मिला। बाकी का सारा चीज आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अपना जो होटल स्टे है वो यही रास्ते में जहाँ से मुझे आगे के लिए निकलना है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर बता रहा है, और हाईवे के नजदीक में ये होटल तो अपने को सबसे बेस्ट वाला मिला। चलते फटाफट होटल चेक इन करते, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये रहा अपना आज का स्टे, मस्त मिला एकदम हाईवे पे, फ्रेश्ड अप एंड डिनर भी कर लिया। तो ये रहा अपना रूम आज के लिए। रूम में वैसे टीवी नहीं है, और टीवी का भी मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए था। बेड है, कबर्ड है, अपना सामान सारा यहाँ पर है, और ये जो है ये बाथरूम है। तो ये रूम की जो प्राइस है वो 579 में मुझे पड़ा। जो डिनर था वो मैंने बाहर से करा, क्योंकि अंदर एक्सपेंसिव मिल रहा था। होटल से जस्ट बाहर निकला मैं, वहां पर भुर्जी पाव वगैरह थे, तो भुर्जी और ब्रेड ये दोनों चीज मैंने खा ली। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।